मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर इकाई का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें 12वीं बार अजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर साथी व्यापारियों ने अजय अग्रवाल का स्वागत किया और कहा है कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर वो जैसे काम करते आए हैं और ऐसे भी वो आगे करते रहेंगे। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का महानगर स्तरीय चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें 12वीं बार अजय अग्रवाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सभी व्यापारी साथियों ने अजय अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित लवीना रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा गुटका की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी व्यापारियों ने पिछले वर्ष किए गए कार्यों पर चर्चा की और आगामी कार्यों के लिए रणनीति भी तैयार की। बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने एक बार फिर अजय अग्रवाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सभी व्यापारी साथियों ने अजय अग्रवाल का फूलमाला पहनाने के साथ स्वागत किया और अपेक्षा की कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के विपिन गुप्ता का कहना था कि हमने 12वीं बार अजय अग्रवाल जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इस आशा के साथ कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करेंगे। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव था, 12वीं बार अजय अग्रवाल जी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। हम सभी लोगों ने, पूरे व्यापार मंडल की टीम ने उन्हें चुना है और हम सब लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम सब लोग ये बता देना चाहते हैं, किसी भी व्यापारी का कुछ भी काम है, हम सब लोग मिलकर उसका निपटारा करेंगे। सभी लोग जय हिंद, जय भारत। 12वीं बार अध्यक्ष बनने के बाद अजय अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने हमेशा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया है और मेरा आगे भी यही उद्देश्य रहेगा कि व्यापारियों की हर संभव मदद की जाए। इस अवसर पर भारी संख्या में व्यापारियों ने सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाने के साथ स्वागत किया और ये विश्वास दिलाया कि हम हर समय अपने महानगर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड पंडित श्याम बिहारी मिश्रा गुट का आज ये 12वां चुनाव हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और 12वीं बार मुझे अध्यक्ष मनोनीत घोषित किया है। और सारी संस्थाएं यहाँ मौजूद हैं, सरापा कमेटी हो तो, बर्तन बाजार हो तो, मतलब सैकड़ों व्यापारियों ने यहाँ भाग लिया। रामपुर से आए श्री शैलेंद्र शर्मा चुनाव अधिकारी, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कराते हैं, वो यहाँ पधारे, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पूरी की। श्री अरविंद गुप्ता, जो कि चंदौसी के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पूरी की। और मुझे, मैं इस योग्य नहीं था, पर लेकिन आज मुझे सबने फिर 12वीं बार मुझे अध्यक्ष घोषित किया है। मैं सभी व्यापारियों का, पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बोलो यार, क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूँगा सभी व्यापारियों से, भाइयों से, कि किसी का भी व्यापारी का सुख दर्द हो उसमें साथ दें और तथा व्यापार मंडल को मजबूत करने में तैयार है। और मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी, खून भी बहाना पड़ेगा, तो मैं बहाऊंगा और मैं व्यापारियों के लिए हमेशा तन मन धन से लड़ता रहूंगा, जैसे लड़ता रहूंगा।